हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं श्वेता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कुक विद श्वेता में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार बैंगन की सब्ज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, साथ ही इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 500 ग्राम बैंगन लिए हैं, जिसे हमने इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया है। बहुत छोटे टुकड़े नहीं करने हैं, इस बात का ध्यान रखें। 3 टमाटर ले लेने हैं हमें, और साथ ही हमने 14 से 15 लहसुन की कली ली हैं, और एक हमने प्याज लिया है। अब हमें लहसुन और प्याज को बारीक पीस लेना है, टमाटर इसमें ऐड नहीं करना है। टमाटर को इस तरीके से मोटा मोटा काट लेना है, और लहसुन प्याज का पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। अब हमें डालना है 10 से 15 चम्मच सरसों का तेल, या कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से गरम करना है। जैसे ही गरम हो जाए, हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच जीरा, और साथ ही हमें डाल देनी है 5 से 7 चुटकी हींग के, और 1 इंच का दालचीनी का यहाँ पर हमने टुकड़ा लिया है, और 2 हमें डाल देने हैं इसमें तेज पत्ते। जैसे ही सारी चीज़ चटक गई, हमें डाल देना है इसमें लहसुन प्याज का पेस्ट। लहसुन प्याज का पेस्ट को हमें तेल अलग होने तक नहीं पकाना है, जैसे हम बाकी सब्जियों में तेल अलग होने तक पकाते हैं, मगर हमें इसमें ऐसा नहीं करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, हमें अपना जार वॉश करके डाल देना है और मिक्स कर लेना है। और इसमें जैसे इस तरीके से उबाल आ जाए, तब हमें अपने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। यहाँ हमने हल्दी पाउडर लिया है, और साथ ही हमने आधा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, और आधा ही चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप इसे अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और 1 चम्मच यहाँ हमने यूज़ किया है नमक का, आप इसे भी अपने स्वाद के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसे मिक्स करना है अच्छे से। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये ऑयल अलग ना कर दे। यहाँ पर इसने ऑयल अलग कर दिया है, हमें इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और जैसे ही अच्छे से भून गया, हमने इसमें डाल देना है 5 से 7 चुटकी के करीब गरम मसाला। ही हुमिड गरम मसाला था, इसलिए बहुत कम यूज़ किया है। गरम मसाला डाल के हमें 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है अच्छे से। और जैसे ही कुक हो जाए, हमें इसमें डाल देने अपने कटे हुए बैंगन। आप चाहें तो इसमें आलू का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं नॉर्मली इसे ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। यहाँ हमने टमाटर डाल दिए। यहाँ पर हमने टमाटरों का यूज़ कच्चा किया है, हमने इन्हें पहले पकाया नहीं है, हम कच्चे टमाटर यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हर टुकड़े पर अच्छे से मसाला लग जाए। हमें यहाँ पर कच्चे टमाटर का ही यूज़ करना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे बैंगन में। एक बार ज़रूर इस तरीके से आप ट्राई करना, आपको ज़रूर ही पसंद आने वाली है। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है, इसमें पानी बहुत ही कम पड़ता है। सिर्फ मैंने यहाँ पर 5 से 6 चम्मच के करीब पानी डाला है, इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं डालना है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे 1 सीटी आने तक कुक कर लेना है, या फिर जैसे ही 20 मिनट हो जाए आपको फ्लेम ऑफ कर देना है। और ध्यान रखें फ्लेम बिल्कुल लो हो। अब हमारी ये टेस्टी सी सब्जी बनके तैयार हो गई है, आपको ज़रूर ही पसंद आई, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।